बाबत है। क्या सर्दियों में आपका वजन बढ़ रहा है? आपको लगता है अनेक उपाय कर लेने के बाद भी आपके पेट और कमर के आसपास की चर्बी लगातार बढ़ रही है? तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे सिंपल योगासन बता रहे हैं जिनको रोजाना सिर्फ 5 मिनट करने से आप अपने वेट को कम कर पाएंगी, अपने पेट को टोन कर पाएंगी। उन 5 योगासनों में सबसे पहला आसन है चतुरंग दंडासन। तो आइए चलते हैं, कैसे करना है वो आसन। जी हाँ, इस पोस्चर से कीजिए वेट लॉस। हाथों और पंजों के बल पर पूरे शरीर का वेट उठाते हुए, कई जगह इसे प्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह योगासन कई लेडीज को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। यह योग पुशअप से मिलता जुलता है। इसको करने के लिए आपके सभी अंग एक साथ शामिल हो जाते हैं, यानी कि यह बॉडी के कई अंगों को एक साथ टोन करता है, जैसे आर्म्स, कलाई, निचली और ऊपरी पीठ। इसी की वेरिएशन, सांस को भरते हुए एक हाथ को बिल्कुल सीधा कर दीजिए दोनों तरफ से 5 टाइम्स। पीठ की मसल्स में ताकत देने के लिए, कोर को स्ट्रेंथ देने के लिए क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। सांस को अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों पर बॉडी का वेट उठाएं। अपने अपर आर्म्स और फोर आर्म्स के बीच कोहनी पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। दोनों पैरों की उंगलियों को जमीन पर सीधा रखें, जिससे उनसे बॉडी का वेट उठाया जा सके। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए, क्षमता से ज्यादा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा महत्वपूर्ण आसन है उत्तान पादासन। बैली फैट को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए गहरा सांस। सांस को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को उठाइए 30 डिग्री पर, पंजों की तरफ देखिए, क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। अगर विंटर्स में आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं तो अपनाएं ये टिप्स, जिससे मिलेंगे आपको भरपूर फायदे। दरअसल सर्दी के मौसम में खाने पीने की बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, साथ ही साथ ठंड के समय भी अधिक भूख लगती है, जिस वजह से लोगों का वजन बढ़ जाता है। इसीलिए इन एक्सरसाइज के साथ साथ हम कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिससे आप सर्दी के मौसम में भी वजन कम कर सकते हैं। सबसे पहला टिप, इस मौसम में व्यायाम अवश्य करें। सर्दियों के समय आराम करने का अधिक मन करता है। इस दौरान एक्सरसाइज करना लोगों को कम पसंद आता है, लेकिन सर्दी के मौसम में रोजाना व्यायाम करना चाहिए। इससे आपका वेट नियंत्रित रहता है, साथ ही साथ आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपका पश्चिमोत्तानासन नहीं लगता तो आप थोड़ा सा पैर को मोड़ लीजिए। इससे आपके पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव आएगा और आपका बैली फैट भी रिड्यूस होगा। सर्दियों में वेट लॉस का दूसरा महत्वपूर्ण टिप है, आप अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं तो अपने आहार में अधिक प्रोटीन लेना शामिल कीजिए, क्योंकि यह आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ आपका रक्त शर्करा के लेवल को भी नियंत्रित करता है। सर्दियों में वेट लॉस का तीसरा महत्वपूर्ण टिप है गर्म पानी या हर्बल टी का प्रयोग करें। डिहाइड्रेशन अक्सर सर्दियों के दौरान होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम भूखे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ध्यान दें तो उस समय आपको प्यास लग रही होती है। इसीलिए कोशिश करें कि इस दौरान हाई कैलोरीज ड्रिंक्स के बजाय हर्बल टी, ग्रीन टी, जिंजर टी, किसी भी टी या गर्म पानी का प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण टिप, अपनी डाइट में केवल ताज़े और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करें। सर्दी के मौसम के दौरान बाजार में ताजे सब्जियों और मौसमी फलों की अधिकता होती है, इसीलिए इनका भरपूर मात्रा में सेवन करें। फाइबर की अधिक मात्रा लीजिए, साथ ही साथ बाहर के खाने से थोड़ा सा परहेज रखें। वैसे देखा जाए तो ठंड के मौसम में वजन कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर्दी के समय में वजन कम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप सर्दी के मौसम में वजन कम करना चाहते हैं तो इन डाइट टिप्स के साथ, जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, इन सभी एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में 15 मिनट जरूर शामिल कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट। उम्मीद है इन सभी एक्सरसाइज और डाइट टिप्स को आप अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करेंगे।
फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अंतस योग। योग दिवस की शुभ बेला महके हर फुलवारी, हर कोई पा जाए ताजगी, कर लो तैयारी।